नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है 2019 में जुलाई मंथ में होने वाला है, उसमें लगभग 88 दिन अभी शेष हैं, या एक प्रकार से कहें कि 90 दिन के आसपास मान लीजिए, यानी लगभग 3 महीने का समय। तो मित्रों, अगर कोई विद्यार्थी आज से भी ये सोचे कि मैं मेरी तैयारी करूँ फर्स्ट ग्रेड की, तो भी वो विद्यार्थी इस तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि 90 दिन का समय जो होता है वो एक बहुत बड़ा समय होता है। नियमित रूप से अगर 12-13 घंटे भी स्टडी की जाए सही एक सिस्टम से, जैसे कि आज ही हमने टॉपिक पढ़ा है प्रणाली उपागम, जो साइकोलॉजी में आईसीटी वाली यूनिट है उसमें टॉपिक था आज का प्रणाली उपागम। प्रणाली मतलब सिस्टम। तो अगर हम नियमित रूप से सिस्टमेटिक ढंग से अगर अपनी तैयारी को करें, तो 90 दिन के अंदर हमारी तैयारी है वो कंप्लीट हो सकती है और बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है। तो अगर किसी भी विद्यार्थी के मन में ये डाउट है कि अब 88 दिन ही बचे हैं और मेरी तैयारी होगी नहीं, या तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज से अगर करेंगे तो आपको 100% तैयारी ही करनी है। अब इन 3 महीनों के लिए कोई बीच में और काम नहीं, अगर कहीं मान लीजिए काम वगैरह भी कर रहे हैं तो 3 महीनों के लिए जितना हो सकें अब दूसरे कामों को एक प्रकार से अवॉइड करें, नज़रअंदाज करें और अपनी सारी ताकत जो है वो इस एग्ज़ाम में झोंक दें। अब आपको इतने दिनों में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए जब पहले वाली एग्ज़ाम डेट में 70 दिन शेष थे, उसके लिए वीडियो बनाया था और उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस विषयों पर, क्योंकि आपका समय जो है वो अब बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है इस समय। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या इतने दिन में कंप्लीट तैयारी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। दूसरी बात, ये जो समय अभी चल रहा है किसी भी एग्ज़ाम से 90 दिन पहले का जो समय है वो सबसे गोल्डन टाइम होता है उस एग्ज़ाम की तैयारी का। उससे पहले कितनी तैयारी की थी, कितनी नहीं की थी, अगर इस समय तैयारी नहीं की जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसलिए ये जो समय है, इस समय को बिल्कुल भी ख़राब ना करें, सबसे अच्छा समय। और इस समय जो पढ़ेंगे वो आपको निश्चित रूप से याद रहेगा। नियमित दिनचर्या, डेली का रेगुलर का एक सिस्टम होना चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है और इतने बजे सोना है। हमारी दिनचर्या जो है सिलेक्शन करवाने में हमारी दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसी हमारी दिनचर्याएँ होगी वैसी हमारी तैयारी होगी। तो ऐसा सिस्टम अब नहीं करना है, इतने दिन जो किया अब नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है। एक नियमित दिनचर्या बनाए, किस समय कौन सा पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की सिटिंग एक बार निश्चित रूप से रखें। आप 2 घंटे एक बार चेयर पर आप ज़रूर बैठें, उसके बाद ही चेयर से खड़े हों। 10 से 12 घंटा रोज़ाना जो है मिनिमम तो आपको समय देना ही पड़ेगा। हालांकि घंटों से कभी भी पढ़ाई को नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी एवरेज जो है वो 10 से 12 घंटा तो आपको इस समय स्टडी अप करनी होगी। और एग्ज़ाम तक आते आते ये समय बढ़ना ही चाहिए और ज़्यादा। जब भी पढ़ें अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करें, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इन छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। जब भी पढ़ें तो अपना 100% ध्यान को एक जगह केंद्रित करके पढ़ें। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पूरी तरह उस पर अपना ध्यान बनाए रखें, क्योंकि पढ़ने बैठने के 15-20 मिनट बाद में दूसरे ख्याल आने लग जाते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्या होगा नहीं होगा, कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, क्या आंकड़े आ रहे हैं, पता नहीं इन दुनिया भर की चीज़ों पर अपना ध्यान बार बार जाने लगता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। सामने एक गोल होना चाहिए कि बस मुझे आज ये पढ़ना है, और उतने तक ही अपना रखें, अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर रखें। शॉर्ट पॉइंट लगातार लिखते रहें। अभी भी जब आप पढ़ते हैं तो लिखना ना छोड़ें, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं वो आपको ज़्यादा याद रहती है बजाय सिर्फ पढ़ने के। तो साथ में अभी भी थोड़ा थोड़ा अगर आप लिखते रहेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट ही होगा उसमें। सोने से पहले आपने दिन भर में जितना भी मैटर पढ़ा है, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, जीके पढ़ा हो, कोई भी पढ़ा हो, सब्जेक्ट पढ़ा हो, सोने से पहले 20-25 मिनट पहले आधा घंटा
एक बार उस चीज को मनन जरूर करें। मनन चिंतन का मतलब आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको आंखें बंद करके और एक बार अपनी आंखों में रिवाइज करें, अपने दिमाग में रिवाइज करना है कि आपने आज दिन भर में क्या पढ़ा है, कितना आपको याद आ रहा है। और अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हैं तो एक बार आप किताब खोल के उसको देख भी सकते हैं, लेकिन ये काम जरूर करें। ये सोने पे सुहागा वाला प्रोसेस है। ये दोनों विषयों पर आपको ध्यान देना है। अब आप किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जीके और प्लस सेकंड सब्जेक्ट जो ऑप्शनल पेपर है, दोनों विषयों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए समय भरपूर मिला है इस बार, तो अच्छा कंपटीशन होगा इस बार। इसके बाद में है कोई भी टॉपिक छोड़े नहीं। कई बार जैसे कई विद्यार्थी ये कहते हैं, मुझे मिल जाते हैं कि सर हम मैथ छोड़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट पेपर में मैथ है, मैथ रीजनिंग वाला है, 12 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग में से, 75 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, और इनमें मैथ के जो क्वेश्चन है वो लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास मैथ के क्वेश्चन हैं। तो कई ये सोचते हैं कि हम इनको छोड़ के चले जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए समय भी भरपूर मिला है और अभी भी 90 दिन का समय है, तो अभी भी इस मैथ को किया जा सकता है। आप थोड़ा बहुत भी अगर 90 दिन भी अगर आधा घंटा भी पढ़ें तो भी आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, और कोई इतने हार्ड या मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, 6 के 6 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो इस तरह की लापरवाहियां अब ना करें कि इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, ये चीज़ें अब नहीं चलेगी। अब आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो आपके टॉपिक के सारे सिलेबस हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप नहीं छोड़ सकते हैं। और लास्ट में बिल्कुल पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें आप, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जाएगा, ये इस तरह की चीज़ें हमेशा होती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ये होगा वो, तो इस तरह की चीज़ें अब नहीं होगी। ये एग्ज़ाम जो जुलाई में है तो वो जुलाई में ही संभावना है कि जुलाई में ही होगा, संभावना क्या है, होगा ही जुलाई में, अब आगे ऐसा कुछ नहीं है चीज़ें। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें और पूरी तरह से आप अपनी स्टडी है, अपना अध्ययन है, उसको बनाए रखें। तो एक बार मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अब जो भी इतने दिन का समय बचा है वो फर्स्ट गेट की तैयारी करने के लिए एक भरपूर समय है, एक शानदार नौकरी है, ये पूरी ज़िंदगी आराम से निकलेगी, इतनी अच्छी नौकरी नहीं होती। और तो जी जान लगा के तैयारी करें, 90 दिनों की मेहनत और पूरी ज़िंदगी आराम, तो अगले जो 30-35 साल हैं आपकी लाइफ के बहुत आराम से निकलने वाले हैं। इन 90 दिनों के लिए अपनी पूरी सारी शक्ति को झोंक दीजिएगा। तो मित्रों, इसी प्रकार तैयारी करते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।